हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल विल फाइन। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप प्लस टू पास आउट है और आप इंटीग्रेटेड बीएड पढ़ना चाहते हैं, दैट इज 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्लस टू कंप्लीट हो गया और मैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड करूं या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड करूं, इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर आपके लिए खुशखबरी। देखिए, एनटीए की तरफ से आपका ये नोटिस आया हुआ है आईटीईपी के रिगार्डिंग। जो भी आपका इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेस पहले से था वो तो अलग है, लेकिन न्यू आपका लॉन्च किया हुआ है, देखिए, आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें आपके लिए 3950 इंटीग्रेटेड बीएड सीट का लॉन्च किया गया है। जो कि अभी आप 3950 इंटीग्रेटेड बीएड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सिलेक्शन कंप्लीटली एंट्रेंस बेसिस होगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आपके लिए एनटीए की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है 3950 सीट्स के लिए इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, दैट इज 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी के अंदर, जो कि एनसीईटी होगा, दैट इज कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो देखिए, यहाँ पर आपका नोटिस पे ही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट पे देखिए, Inviting online applications for National Common Entrance Test NCET 2023 for admission to 4 year integrated teacher education program, that is 4 year integrated BEd. Okay, so 26 June को आपका ये notice आया हुआ है, so National Common Entrance Test होगा। Okay, आपके लिए हमारा National Common Entrance Test होगा। अगर आप उस entrance को qualify कर लेते हैं तो फिर 3950 सीट के अंदर आपको एक सीट मिल जाएगा। ओके, सो 3950 सीट हमारा अवेलेबल है। जो तो पहले से था वो अलग है, लेकिन आईटीईपी के अंदर इतना सीट है तो आप इजीली पा सकते हैं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो देखिए क्या क्या लिखा गया है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो हमारा जो ये है एनसीटीई नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको कौन कंडक्ट करेगा? एनटीए कंडक्ट करेगा। जैसे हमारा नीट को एनटीए कंडक्ट करता है, उसी तरह ही हमारा एनसीटीई एंट्रेंस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करेगा। एंड इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी इन सिलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIS, then and government colleges for the academic season 23-24. So, 4 year integrated BEd कहाँ पर होगा? कुछ special selected central or state university institutions या फिर IIT colleges, NIT colleges, RI colleges या फिर कुछ government colleges like autonomous colleges like that. Okay, so 2023-24 season के लिए समझ में आ गया। देन देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टेड द एंट्रेंस एग्जाम इन 178 सिटीज इन 13 मीडियम साक्रोस। सो 178 सिटीज पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, दैट मींस सेंटर पड़ेगा। ओके, 178 सिटीज में और 13 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, जो कि अगर आप ओडिया लैंग्वेज में एंट्रेंस देना चाहते हैं तो फिर आप ओडिया में दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्रेंस देना चाहते हैं तो फिर आप इंग्लिश में दे सकते हैं। देन जो भी अवेलेबल होगा लैंग्वेज आप दे सकते हैं। आपके लिए स्पेशली सिलेबस है, देन सिलेबस के साथ आपका एग्जाम पैटर्न है, कितना मार्क आपका टोटल मार्क कितना आएगा, देन उनमें से कितना क्वेश्चंस आएगा, हर क्वेश्चन का मार्क कितना होगा, देन उनमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कौन कौन सा टॉपिक आएगा, देन आपका कौन कौन सा लैंग्वेज आएगा, डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, इस रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। सो पहले आप ये जान लीजिए कि आपके लिए एनटीए की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है 3950 इंटीग्रेटेड बीएड सीट के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सा कॉलेज में ये हमारा सीट से, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक और एक वीडियो ले आऊँगा जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा कॉलेज पे आईटीईपी लॉन्च हुआ है और वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। ओके, ये जो दिख रहे हैं आप, ये पहले से ही एक नोटिस पे आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हमारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कौन कंडक्ट करता है? एनसीटी। एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करेगा एनटीए, लेकिन इसका मूल आधार है एनसीटी। ओके, सो इसमें एक नोटिस आया था, देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी हैज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सो एनसीटी लॉन्च किया हुआ है आईटीईपी। समझ में आ गया? इन आईआईटी या फिर एनआईटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेजेस फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24। तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि एनटीए की वेबसाइट पर, अभी ये जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एनसीटीई की वेबसाइट पर। ओके, सो आप भी देख सकते हैं। तो देखिए, दिस इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एनसीटीई अंडर एनईपी 2020 अंडर सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंदर ये हमारा न्यू आईटीईपी लॉन्च हुआ है, जो कि देखिए आपका 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एजुकेशन का उसको फुलफिल करेगा। देन देखिए, द इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन फॉर पायलटिंग आईटीईपी प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सीजन 23-24 आर हियर बाय इन्फॉर्म द फॉलोइंग, एनसीटी इज प्रिपेयरिंग द करिकुलम सिलेबस। सो आपका सिलेबस रेडी हो गया है, आपका सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट एक वीडियो ले आऊंगा, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, देन आपका कौन कौन सा कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन कौन सा कॉलेज में आपका सीट अवेलेबल है, जो कि टोटल सीट 3950। ओके, सो एनटीए की तरफ से ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। देन देखिए, मैं आपको डेडलाइन बता देता हूँ, ओके, कब से आपका अप्लाई शुरू होगा, देन आपका अप्लाई का लास्ट डेट क्या है। ओके, देखिए, आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 26 जून से लेकर 19 जुलाई तक। सो आप 26 जून से 19 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, आपका लास्ट डेट 19 जुलाई है। देन करेक्शन इन पर्टिकुलर 20 जुलाई टू 21 जुलाई। देन आपका अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन बाद में अनाउंस किया जाएगा और एग्जाम डेट भी बाद में अनाउंस किया जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर एक लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फॉर विच आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, अगर आप कोई भी एंट्रेंस कोर्स के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो फिर हमारा ऐप पे आप प्रिपेयर हो सकते हैं। हमारा ऐप पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेरेशन किया जाता है, जो कि आपका नाम है आशीष इन एजुकेशन। जैसे आप यूट्यूब आईडी देख रहे हैं वैसे ही आप प्ले स्टोर पे पा सकते हैं, या फिर इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप पे आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।